हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए मैंने स्लीव कट कर ली, मैं आपको इसका साइज बताती हूँ। देखिए जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो 19.5 इंच ली है और जो इसकी ब्रेथ है वो मैंने 8.5 ली है। देखिए हमने स्लीव कट कर ली, जैसे नॉर्मल स्लीव कट करते हैं इस तरह आप नॉर्मल स्लीव कट कर लीजिए। मैं आपको बता दूँ मैंने डिजाइन कैसे डाले हम। देखिए मैंने स्लीव ऐसे रखी है, देखिए जहां हमारा बंद वाला हिस्सा है यहां से हम 1.5 इंच में निशान लगाएंगे इस तरह। देखिए यहां से हम इस तरह गोलाई देंगे इसकी, सेम निशान पर हम कट करेंगे पहले। देखिए सेम निशान में मैंने कट कर लिया है, अब हम इसमें निशान लगाएंगे। देखिए 1.5 इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने निशान लगा लिया और देखिए यहां से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर भी हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह। निशान लगाया है इस तरह हम स्ट्रेट साइड लगा देंगे। देखिए जो हमारा बीच वाला निशान है यहां से हम 1.5 इंच नाप लेंगे और देखिए यहां से फिर हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और सेम ऊपर भी इस तरह हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फिर से हम पीछे लाइन से 1.5 इंच में निशान लगाएंगे और फिर 1/2 इंच पे। देखिए फिर से हम देखिए इस तरह मैंने 4 निशान लगा लिए, हम 4 प्लेन डालेंगे इसमें 1, 2, 3, 4। देखिए इस तरह हम खोल के पीछे भी निशान लगा लेंगे। इस तरह मैंने निशान लगा लिया, इस तरह फोल्ड कर लेंगे इसे। इसके लिए मैं कैनवास और पट्टी कट करूंगी। देखिए मैंने कैनवास डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए जो हमारी स्लीव थी इसे हम इस तरह रखेंगे, नीचे से हम 1 इंच छोड़ देंगे। देखिए सेम टफ हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया है, यहां से हम इसकी चौड़ाई 1 इंच लेंगे, 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह मैं सेम डाफ के इसकी पट्टी भी कट करूंगी। पट्टी की चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए इसकी मैंने पट्टी कट कर ली है, इस तरह हम जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसमें इस तरह फोल्ड कर देंगे। अब मैं आपको इसका सिलने का मेथड बताती हूँ। देखिए नीचे मैंने पट्टी रख ली है, ऊपर मैं कैनवास रख लेती हूँ और जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इस तरह फोल्ड करेंगे हम और इस तरह हम सिलाई लगा देंगे इसमें। देखिए इस तरह मैंने तैयार कर ली पट्टी। देखिए जो हमने स्लीव है वो हम सीधी रख लेते हैं और इस तरह हम परसेंट सेट करेंगे जो भी हमारा कोन आ रहा है यहाँ से और इस तरह हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, अब हम बीच में कट दे देते हैं थोड़ा सा। देखिए इस तरह हम पलटेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, अब हम इस तरह प्लेट डालेंगे इसमें। देखिए जो हमने निशान लगाया है पीछे वाले इस तरह पकड़ेंगे
और इस तरह हम स्ट्रेट सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने प्लेट डाल दी, इसी तरह मैं दूसरी डालूंगी। देखिए इस तरह मैंने दो प्लेट डाल दी, इसी तरह मैं दोनों प्लेट और डाल देती हूँ। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगाती है और देखिए जो हमारा बीच का पार्ट है इस तरह निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह निशान लगा लेते हैं। देखिए जो हमने निशान लगाया है यहां से हम एक इंच पे निशान लगाएंगे इस साइड और एक इंच पे हम यहां पे लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने एक सिलाई लगा दी, इसी तरह मैं दूसरी सिलाई भी लगा देती हूँ। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। देखिए हमने ये मोती वाली लेस ली है, इस तरह नीचे लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह हम सिलाई लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दी नीचे। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम मोती लगाएंगे इस तरह, चार मोती लगाएंगे हम इसमें। देखिए मैंने सुई ली है, सुई में मैंने फोर फोल्डिंग धागा डाल दिया इसमें। और देखिए हमने ये मोती लिए गोल्डन कलर के। देखिए पहले मुंह पर लगाएंगे इसमें इस तरह, फिर हम फोल्ड करेंगे पीछे की साइड। और देखिए इस तरह इस तरह हमने मोती लगा लिए, इसे हम डबल धागा डाल लेते हैं इसमें। देखिए इस तरह अब हम सेम ही सेम है इस तरह करेंगे दूसरी प्लेट। मोती लगा दिए, देख सकते हैं कितनी सुंदर स्लीव लग रही हमारी। इस तरह हमारी पूरी स्लीव रेडी हो गई है। देखिए नीचे मैंने लेस भी लगा दी है, हमने मोती भी लगा दी है और देखिए हमने सिलाई भी लगा दी, प्लेट भी बना दी है। देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे स्लीव का। इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर ले इसकी। इस आसान तरीके से अपनी सुंदर की स्लीव बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना।